बरसाना की लटामार होली होने के बाद बरसाने के हुरियारी नंदगांव की हुरियानियों से होली खेलने पहुंचे। यहां इस लीला को देखने के लिए सूर्य भगवान भी कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं। कैसे, जरा आप भी देखिए। ब्रज की अद्भुत होली का उल्लास जारी है। आज नंदगांव में लठमार होली खेली गई। बरसाना की लठमार होली के अगले दिन यानी आज फाल्गुन शुक्ल दसवीं को बरसाना के हुरियारे नंदगांव की हुरियारिनों से होली खेले। यहां नंद भवन में होली की मस्ती कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई। हम आपको बता दें कि राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक ये दोनों उत्सव अपने आप में अद्भुत और दिव्य माने जाते हैं। यहां राधा जी ने बरसाना की सभी सखियों को एकत्रित किया और बताया कि कन्हैया बिना फगुआ दिए ही लौट गए, हमें नंदगांव चलकर उनसे फगुआ लेना है। अगले दिन यानी आज दसवीं को बरसाना की ब्रज गोपियां होली का फगुआ लेने नंदगांव पहुंची। वहीं कन्हैया की लीला को जीवंत रखने के लिए यहां भी लठमार होली का आयोजन किया गया। नंदगांव राधा रानी के गांव बरसाना से केवल 8 किलोमीटर दूर है। शुक्रवार को बरसाना की लठमार होली खेली गई। यहां नंदगांव के हुरियारे बरसाना पहुंचे और उन्होंने
राधा रानी के गांव की होरियारिनों के संग परंपराओं को निभाते हुए होली खेली। यहां बरसाना के होरियारों के स्वागत के लिए नंद भवन को भव्य रूप से सजाया गया, तो वहीं नंद गांव वासी बेसब्री से बरसाना के होरियारों का इंतजार कर रहे थे। यहां आदित्य राधा कृष्ण की अलौकिक होली लीला देखने के लिए भगवान सूर्य भी कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाते हैं। माना जाता है कि जब तक गोपियां हुरियारे और कान्हा के संग होली नहीं खेलते तब तक सूर्य नहीं छिपता है। अगर आपने बरसाना और नंदगांव की होली नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। यहाँ की होली में प्रेम बरसता है और परंपराओं का गुलाल उड़ता है। अगर संबंधों को लगाना सीखना है तो ब्रज वालों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंदगांव के लोगों में सखा भाव और बरसाने की सखी भाव की मिठास आज भी जीवित है। नाम है आपका? जी आस्था निगम। आस्था जी, आज नंदगांव में है, आप होली का देखा है आपने नजारा, क्या कुछ लगा, क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता मतलब राधा कृष्ण से जुड़ा हुई है परंपरा, राधा कृष्ण का प्रेम हम सब जानते हैं और यहाँ की होली जो वो लोग प्रेम पूर्वक खेलते थे। बरसाना राधा जी का धाम है जहाँ पे पहले होली खेली जाती है, उसका नंदगांव जहाँ पे कृष्ण जी हुए और मतलब कृष्ण जी रहते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं लखनऊ से हूँ तो होली तो हमारी तरफ भी बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन यहाँ की कुछ होली अपने में अलग है जो प्रसिद्ध है। लट्ठमार होली देखने के लिए हम दोपहर से इंतज़ार कर रहे थे कि देखेंगे कैसी होती है, तो पहली बार देखा, बड़ा मतलब अच्छा लगा, बहुत अलग सा चीज़ है कि, और ये देखना सबसे अलग था, डिफरेंट था कि एक आदमी बीच में बैठ के और इतनी सारी लेडीज बड़े बड़े डंडे से उसको मार रही है और वो किस तरह से पकड़ कर बैठा हुआ है और वो हाथ नहीं छोड़ रहा है और उस चीज़ को मतलब
बर्दाश्त कर रहा है कैसे करके, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा लगा, मतलब हमेशा के लिए मेमोरेबल है। हमने बहुत लोगों को वीडियोस भेजे तो सभी देख रहे हैं हमारे साथ साथ। नाइस शिवांगी, आपने आज नंदगांव की होली देखी, क्या कुछ फीलिंग्स है आपको? मुझे बहुत ही, मतलब मैं तो इससे साथ साथ दिल्ली में बहुत कई साल से मन था कि यहाँ की होली देखूँ, पर इस बार देखने को मौका मिल गया, प्लान बन गया तो अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Erin, how are you feeling in Nandgaon Holi? How am I feeling with Holi? Oh, it's amazing. It's just a full crowd of colors and just festival dancing. It's amazing. It's, I don't know, there's so many people out there. It was crazy. We were like alone on a balcony and all of a sudden 100 people rushed in and then just color everywhere. And you? Hi, I'm from France. France. What feel in Nandgaon? Underground? Oh, that was like just insane. I didn't expect that at all. We were more like expecting something like more relaxed. It was just like we arrived here quite early. Many people were throwing water, colors, the kids were like chasing us. We never made it to the temple. We tried, but it was so intense for us to go there. The kids were too bold. First time seeing it all? That was first time in Oli and third day in India. Third day in India. First time in India. नाम है आपका? अंकित। अंकित कहाँ से आए हैं होली देखने? गुड़गांव से। यहाँ की होली देखी है और आपके यहाँ भी होली होती होगी, क्या कुछ अंतर दिखा आपको? जी, यहाँ के परंपरा के हिसाब से यहाँ पे लठमार होली खेली जाती है। हमारे यहाँ केवल रंग गुलाल और जनरली लोगों के वहाँ जा करके होली खेली जाती है, तो अंतर तो है। लठमार होली हम पहली बार यहाँ पर आकर देख रहे हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत लगा। बस सरकार से गुजारिश यही है कि थोड़ा व्यवस्था और अच्छा करें, ताकि जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाए देखने के लिए। अगर बात की जाए कल बरसाना की होली हुई थी, आज नंदगांव की होली है, तो क्या कुछ मान्यता है इसके बारे में जानकारी? हाँ जी, यहाँ पे जो मैंने सुना हुआ है तो बरसाना, पहले बरसाना में होली होती है तो यहाँ नंदगांव से लोग वहाँ जाते हैं होली के लिए, और जिस दिन नंदगांव की होली होती है वहाँ बरसाना से लोग आते हैं यहाँ होली के लिए। बाकी सिटीज़ में बहुत ही वर्बल तरीके से मिसयूज़ करा जाता है रंगों का, जैसे हमारी स्किन को भी हार्म पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी है। आज, जैसे हम यहाँ आज भगवान श्री कृष्ण के गांव में है, नंदगांव में, और पहली बार आई, पहले भी आ चुकी है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर बस जाना चाहिए। और यहाँ की अगर होली की बात करें तो क्या स्पेशल लगा आपको? यहाँ के रंगों का तरीका लगाने का, एटमॉस्फेयर, बिहेवियर, कोई भी मिसबिहेव नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लेडीज़ के साथ जो होता है होली पे, घर से कोई बाहर नहीं निकल पाता है, उसके हिसाब से टू गुड है यहाँ पर। आप क्या नाम है आपका? शैलेश मिश्रा। मिश्रा जी, आप यहाँ होली देखने के लिए आए नंदगांव की, क्या कुछ लगा, कैसा लगा? बहुत आनंद है, प्रभु की भूमि पर आए हुए हैं, यहाँ पे बचपन भी था उनका, नंदगांव का बाबा का मंदिर है, तो यहाँ पे होली का एक अलग ही अनुभव है। यहाँ के जो लोगों का तरीका है वो शायद सबसे अलग ही है, तरीके से और प्राकृतिक चीज़ें से खेलते हैं, जैसा तरीका है यहाँ आके लगता है कि यहाँ वाकई में होली किसे कहते हैं। यहाँ आके इंसान को आना चाहिए और होली खेलना भी चाहिए।